अपराध पर अंकुश लगाने और पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर भागलपुर पुलिस प्रशासन काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही है। गुरुवार को भागलपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक मिनीगन फैक्ट्री का खुलासा किया है। दरअसल पुलिस को लोदीपुर थाना क्षेत्र इलाके में अवैध तरीके से छोटे बड़े हथियार बनाए जाने की गुप्त सूचना मिली थी। गुरुवार को पुलिस की विशेष टीम ने उस्तु गांव में छापेमारी कर मिनीगन फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए दो अपराधी को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा पुलिस ने भारी मात्रा में भंडारण किए गए निर्मित और अर्धनिर्मित हथियार को भी जब्त कर लिया है। वहीं पूरे मामले की जानकारी SSP आनंद कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। SSP ने बताया कि पुलिस को लंबे समय से गुप्त सूचना मिल रही थी कि लोदीपुर इलाके में अवैध तरीके से मिनीगन फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा है, जिसके उद्भेदन के लिए DSP विधि व्यवस्था डॉक्टर गौरव कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसके बाद पुलिस टीम ने फौरन उस इलाके में तकनीकी टीम की मदद से जाल बिछाना शुरू किया और मिनीगन फैक्ट्री के मास्टरमाइंड मोहम्मद अंजार उल और मोहम्मद सलमान उर्फ सनी को मौके से दबोच लिया। SSP के मुताबिक यह दोनों काफ़ी लंबे समय से अवैध रूप से हथियार बनाकर उसका कारोबार करते थे। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए दोनों अपराधियों का लंबा नेटवर्क है और यह लोग ऑर्डर के हिसाब से हथियार बनाकर सप्लाई करते हैं। छापेमारी के दौरान पुलिस ने अलग अलग तरह के हथियार बरामद किए हैं, जिसमें 5 देसी पिस्तौल, 2 अर्धनिर्मित दोनाली बंदूक, देसी कट्टा, 2 अर्धनिर्मित देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस समेत हथियार बनाने के उपकरण और कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए हैं। SSP ने कहा कि दोनों आरोपियों ने मामले में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है, फिलहाल उससे पूछताछ जारी है। अपराधियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें कि एक बड़ी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया है और उसमें गन फैक्ट्री को संचालित करने वाले 2 अपराधियों को पकड़ा गया है, मोहम्मद अंजारुल और मोहम्मद सलमान उर्फ सलमी। और इसमें जो सलमान है, इनका आपराधिक इतिहास भी है। इनके ऊपर विस्फोटक अधिनियम के तहत लोदीपुर थाना में मामला दर्ज है। ये पूरी कार्रवाई लोदीपुर के उस्तु गांव पड़ता है, उसमें हुई है। और कल देर रात से दिन के 10-11 बजे तक लगातार ये रेड हुआ है, 7-8 घंटा। और इसमें बड़े पैमाने पर हथियारों की बरामदगी हुई है और हथियार बनाने वाले उपकरण की बरामदगी हुई है। ये SDPO लॉ एंड ऑर्डर गौरव जी के नेतृत्व में पूरी कार्रवाई हुई है, जिसमें प्रभारी थानाध्यक्ष लोदीपुर परमानंद और SHO गोराडी संजय सत्यार्थी और बजरा टीम के प्रभारी सूरज, SHO बाईपास TOP ओम प्रकाश और ASI संजय कुमार सिंह, सब इंस्पेक्टर अजय कुमार जगदीशपुर थाना और हमारी बजरा की B टीम थी, इसमें पूरी लगी हुई थी और उन्होंने मिलकर इस पूरे गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है, जिसमें 5 देसी पिस्टल पूरी तरह से निर्मित और 2 अर्धनिर्मित राइफल बरामद हुई है और 7 अर्धनिर्मित देसी कट्टे बरामद हुए हैं और इसके साथ ही साथ बैरल 8 पीस बरामद हुआ है और 2 नाली बंदूक का बैरल 1 पीस हुआ है और 1 नाली बंदूक का बैरल 2 पीस बरामद हुआ है और 3 जो है खोखा बरामद हुआ है कारतूस का। इस प्रकार बहुत बड़े पैमाने पर उपकरण बरामद हुए हैं, जिसकी जानकारी हम लोगों ने प्रेस ब्रीफ में दिया है, जो आप लोग को अभी समर्पित। जिले में सड़क हादसा थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रतिदिन लोग सड़क हादसे का शिकार होकर अपनी जान गंवा रहे हैं। गुरुवार को जगदीशपुर TOP थाना क्षेत्र अंतर्गत बैजानी पेट्रोल पंप के समीप हुए सड़क हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान साइनो गांव निवासी 40 वर्षीय मुकेश कुमार और दयानंद शाह के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि गैस लदे कंटेनर से तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दिया। घटना में मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। इधर घटना की सूचना मिलते ही TOP प्रभारी ओम प्रकाश दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गए। फिलहाल पुलिस ने गैस लदे कंटेनर को जब्त कर लिया है, जबकि कंटेनर का ड्राइवर मौके से भागने में सफल रहा। इस घटना से मृतक के घर में कोहराम मच गया है।
भागलपुर डीएम सुब्रत कुमार सेन ने गुरुवार को शहर के महत्वपूर्ण क्षेत्र सैंडिस कंपाउंड परिसर में स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे कार्यों का गहन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के हर पहलू की बारीकी से जांच की और जहां भी कमियां पाई गई उन्हें शीघ्र दूर करने का निर्देश जारी किया। डीएम ने स्मार्ट सिटी योजना से बने कैफेटेरिया का भी निरीक्षण किया और वहां बन रहे भोजन का आनंद आम लोगों तक पहुंचाने का भी निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने कैफेटेरिया मैनेजर को कहा कि अभी सावन का महीना चल रहा है और इस सावन माह में लोगों के लिए सावन स्पेशल व्यंजन का भी इंतजाम करें, जिससे आकर्षित होकर ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पहुँचे। साथ ही उन्होंने रेड चार्ट भी लगाने का निर्देश दिया है। इसके बाद डीएम जिम पहुँचे, जहाँ जिम का निरीक्षण कर जिलाधिकारी ने कहा कि यहाँ कुछ आधुनिक मशीन भी हैं जो बाहर किसी भी जिम में उपलब्ध नहीं हैं। उन्होंने जिम ट्रेनर को सामान सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। वहीं स्विमिंग पूल में भी वाटर लेवल घटाने का आदेश जिलाधिकारी ने दिया है, जिससे कोई हादसा ना हो सके। आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि स्मार्ट सिटी के तहत सैंडिस कंपाउंड का हम लोगों ने एक अच्छे तरीके से विकसित करने का प्लान बनाया था और अब वो धरातल पर दिख रहा है। थोड़ा सा विलंब हुआ क्योंकि हाईकोर्ट में दो दो केसेस फाइल हुए, अभी एक केस और पेंडिंग है, तो दोनों केस के डिस्पोजल में और उसके कारण जो एजेंसी को भी काम करने में थोड़ी सी देरी हुई, लेकिन अब जो है चीज़ें बिल्कुल कंप्लीट हो गई हैं। और आप देख रहे हैं कि पहले जैसे सैंडिस कंपाउंड में ये होता था कि ये पार्क पे कुछ ग्रुप का या किसी समूह का उस तरह का जो है अपना एक तरह से आप देख लें कि कंट्रोल था, तो अब ये सबके लिए ओपन है पूरे। और इतनी फुटफॉल है, आप शाम के समय में आइए, मॉर्निंग सुबह में आइए, चाहे वो बच्चे हो, बूढ़े हो, युवतियाँ हो, महिलाएँ हो, काफ़ी संख्या में यहाँ घूमने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए। कैफेटेरिया बहुत खूबसूरत बना हुआ है और इसमें हम लोगों ने जनता थाली की व्यवस्था की है। अगर कोई आप स्पेशल कुछ इस तरह का भोजन आप ऑर्डर करते हैं तो जो मार्केट रेट है उस पर उपलब्ध है, और जो कोई सामान्य व्यक्ति आता है चाय कॉफ़ी 10 रुपये में, जनता थाली 70 रुपये में, जिसमें कई सारी सामग्री जो है थाली में समाहित है, तो वो उसका प्रचार प्रसार करने के लिए और बोला गया है। बच्चों के लिए काफ़ी सुविधा है, चाहे वो टॉय ट्रेन हो, चाहे वहाँ जो पार्क बना है जिसमें झूला वगैरह कई सारी चीज़ें लगाई गई हैं। इसमें जो दो तालाब जो पहले से पुराने ज़माने के वाटर बॉडी जो जल निकाय बहुत जर्जर अवस्था में, उसको हम लोगों ने प्रयास किया था कि हम लोग इसी प्रोजेक्ट के तहत उसको सम्मिलित करा करके हम लोग उसका इम्प्रूवमेंट करा दें, लेकिन आप लोग भी जान रहे हैं उस समय में चूँकि हाईकोर्ट में मैटर पेंडिंग था तो हम लोगों ने नया एडिशन फिर नहीं किया, लेकिन नगर आयुक्त साहब ने उसका भी प्लान तैयार कर लिया है। स्मार्ट सिटी के तहत तो पैसा नहीं है, लेकिन नगर विकास विभाग की अन्य किसी योजना से उसको भी हम लोग शुरू करवाने का प्रयास करेंगे। बेंगलुरु में आयोजित विपक्षी दलों की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लालू यादव और तेजस्वी यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले लौट जाने को लेकर बिहार के पूर्व उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने सवाल खड़े किए हैं। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति वह सहानुभूति रखते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने बिहार में हुई बैठक के दौरान कांग्रेस के नेता सहित अन्य दलों के लोगों को स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ साथ लिट्टी चोखे का स्वाद चखाया था, लेकिन बेंगलुरु में कांग्रेस पार्टी के द्वारा उनका अपमान किया गया और बैठक से पहले मुख्यमंत्री के खिलाफ पोस्टर लगाए गए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को संयोजक बनाए जाने की बात हुई थी, लेकिन कांग्रेस ने संयोजक भी नहीं बनने दिया। उन्होंने कहा कि यह मुख्यमंत्री का अपना मामला है। उनके साथ हर मीटिंग में कांग्रेस वाले वादा करते हैं कि आपको संयोजक बनाएंगे, संयोजक बनाएंगे, और वो बराबर जदयू के लोग पूछते हैं आखिर संयोजक कब बनाओगे, और पिछली मीटिंग में भी नहीं बनाया, और उनके खिलाफ कांग्रेस वालों ने जानबूझ के उनको गुस्सा दिलाने के लिए पोस्टर लगा दिया। अच्छा सिला दिया उन्होंने लिट्टी चोखा के स्वाद का। नीतीश कुमार जी ने कितना अच्छा लिट्टी चोखा खिलाया, सिलाओ का खाजा खिलाया, नाना प्रकार के व्यंजन खिलाए, लेकिन ये निर्दय लोग, उनके साथ न्याय नहीं किया। लगता है नीतीश कुमार जी को कांग्रेस के खिलाफ न्याय यात्रा निकालनी होगी, क्योंकि वो विपक्षी एकता के नाम की शुरुआत उन्होंने की, लेकिन उनको कोई भाव नहीं दे रहा है।
बिहार के हैं तो थोड़ी हमदर्दी होती है, ऐसे ही उनका मामला है। भागलपुर में जब से स्मार्ट मीटर लगा है तब से लोग काफ़ी परेशान हैं। इसको लेकर आंदोलन भी हुआ लेकिन इसका कोई फायदा नहीं मिल पाया। गुरुवार को भागलपुर के कचहरी चौक स्थित बिजली ऑफिस में उपभोक्ताओं ने अनाप शनाप बिजली बिल आने से त्रस्त होकर जमकर कार्यालय में हंगामा किया। उपभोक्ताओं का साफ तौर पर कहना है कि बिजली विभाग उपभोक्ताओं के लिए कहीं से सही नहीं कर रही है। अनाप शनाप बिल भेजने से लोग त्रस्त हो रहे हैं। लोगों ने कहा कि जितना कमाकर खाने में नहीं लगाते उससे ज़्यादा बिजली बिल भरना पड़ता है। हंगामा कर रहे लोग काफ़ी आक्रोशित नजर आए। उपभोक्ताओं ने बिजली विभाग के कर्मियों पर शिकायत नहीं सुनने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा कि कोई भी अधिकारी कार्यालय में मिलने के लिए तैयार नहीं होते हैं और ना ही उचित मार्गदर्शन देते हैं। अगर ऐसा रवैया रहा तो हम लोग विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। रात में था 1300 रुपया, अभी आके आते हैं तो सब बैंक बैलेंस खत्म हो चुका है। ये कब से चल रहा है? ये 2 महीने से चल रहा है लगातार। ये परेशानी है, लगातार परेशानी है। और अभी आप लोग कहाँ आए हैं? कहाँ आए हैं? भराड़ी से आए हैं। नहीं नहीं, कहाँ आए हैं अभी? कचहरी चौक बिजली ऑफिस, मतलब समस्या के समाधान के लिए। यहाँ बताने वाला कोई? यहाँ क्या बोला जा रहा है? यहाँ आए हैं बिजली का मीटर अधिकार है। रात को 600 था, भोरे -15, यानी 2100 रुपए का बिजली रात भर में चल गया। इसी तरह मोहल्ले में सब आदमी, किसी को 3000, किसी को 2000, ऐसा क्यों होता है? हाँ, ये चीज का हम लोग समाधान चाहते हैं। हाँ, यहाँ बताने वाला कोई नहीं। वो बोलता है इसको भेजो, ये बोलो उसको, कोई बताने वाला नहीं। भागलपुर पुलिस लाइन में तैनात सहायक अवर निरीक्षक अर्जुन कुमार का इलाज के दौरान निधन हो गया। जानकारी के अनुसार बुधवार की शाम अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के क्रम में उनकी मौत हो गई। मृतक जवान गया जिले के नादरगंज खजांची गली के रहने वाले थे। वहीं मौत के बाद परिजनों को घटना की सूचना दी गई, जिसके बाद उनकी पत्नी और पुत्र भागलपुर पहुँचे। वहीं सबका पोस्टमार्टम के बाद मृतक के पार्थिव शरीर को पुलिस लाइन लाया गया, जहां उन्हें सलामी दी गई। इस दौरान वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने अपने साथी जवान को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान पूरे पुलिस लाइन का माहौल मातम में बदल गया। मौके पर वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार, पुलिस लाइन DSP सहित काफ़ी संख्या में पुलिस के जवान मौजूद थे। श्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालु को मेला क्षेत्र में किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसको लेकर जिले के वरीय अधिकारी लगातार दौरा कर रहे हैं। गुरुवार को मेला क्षेत्र में अवैध वाहन पार्किंग की सूचना मिलते ही DRDA डायरेक्टर राजकुमार प्रसाद ने पार्किंग स्थल का निरीक्षण कर जायजा लिया। DRDA डायरेक्टर राजकुमार प्रसाद ने मीडिया को बताया कि अवैध पार्किंग की सूचना मिलने पर श्रावणी मेला क्षेत्र में सभी पार्किंग स्थल की जांच पड़ताल की गई है, ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। उन्होंने कहा कि श्रावणी मेला के मस्जिद स्थित पार्किंग में कांवरियों से अधिक पैसे लेने की शिकायत मिली थी, जिसका निष्पादन कर दिया गया है। निरीक्षण के दौरान कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार, VDO मनोज कुमार मुर्मू, थानाध्यक्ष प्रियरंजन सहित कई पुलिसकर्मी मौजूद थे। श्रावणी मेला में जो पार्किंग की के बारे में कुछ ऐसा कुछ नहीं कहा, आरोप वगैरह था कि अवैध पार्किंग है, तो क्या किया? ऐसा कुछ है नहीं, कुछ नहीं, यहाँ कार्रवाई भी हुई थी, फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। सारे लोग को ड्यूटी पर मुस्तैद है और इस तरह के कभी भी कोई बात नहीं करेंगे, आगे भी कार्रवाई। श्रावणी मेला सुल्तानगंज में इन दिनों जल भरने अजगैबीनाथ धाम में शिव भक्तों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। कांवरियों का जत्था रेल और सड़क मार्ग से सुल्तानगंज पहुंच रहा है। गुरुवार को मेला के 17वें दिन 20,000 से अधिक कांवरिया जल भरकर बाबा वैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुए। हालांकि तेज धूप के बावजूद कांवरियों ने जल भरकर पैदल यात्रा शुरू की। मलमास सावन को लेकर असम, बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आदि कई राज्यों से कांवरियों के आने का सिलसिला जारी रहा। तीसरी सोमवारी पर बाबा को जलाभिषेक करने के लिए आज से ही कांवरियों की भीड़ सुल्तानगंज अजगैबीनाथ गंगा घाट पर बढ़ने लगी है। कांवरियों ने बताया कि मलमास में भोलेनाथ का जलाभिषेक करने से दोगुने फल की प्राप्ति होती है।
भागलपुर नगर निगम कार्यालय परिसर में राष्ट्रीय सफाई मजदूर संघ के बैनर तले भागलपुर शाखा के सफाई कर्मियों ने निजीकरण के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे राजेश हरी ने बताया कि सफाई कार्य की जिम्मेवारी एक बार फिर निजी हाथों में सौंपी जा रही है, लेकिन अब हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। उन्होंने नगर निगम प्रशासन को मुंहतोड़ जवाब देने की बात कहते हुए कहा कि पूर्व की कंपनी के द्वारा सफाई कर्मियों का 1.5 करोड़ रुपया पीएफ कटौती के नाम पर लेकर भाग गई थी। जब तक हम लोगों को पुरानी राशि का भुगतान नहीं हो जाता और इसके अलावा हटाए गए सफाई कर्मियों को काम पर वापस बुलाए जाने एवं पटना की तर्ज पर संसाधन और मानदेय उपलब्ध कराने की मांग की गई। प्रदर्शन कर रहे सफाई कर्मियों ने कहा कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो 24 जुलाई को काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, जबकि 25 जुलाई को मशाल जुलूस और 26 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू होगा। इस दौरान जिला सचिव राजकमल जायसवाल, राजीव रंजन, गणपत राम, प्रमोद हरि, ब्रह्मदेव, टिंकू, गणेश सहित कई सफाई कर्मी मौजूद रहे। नगर निगम प्रशासन को हम लोग छः महीना से हम लोग अवगत करा रहे हैं लेटर के जरिए, फिर भी नगर आयुक्त जो है अपना जो नीति दोहरा रही है और सोर्सिंग को जो है लाना चाह रही है। हम पूछना चाहते हैं नगर निगम के प्रशासन से कि सफाई मजदूर शहर को जब बढ़िया से दुरुस्त कर रही है तो और सोर्सिंग को लाने से फ़ायदा क्या? तो हम तो फायदा यही जान रहे हैं कि यहाँ कमीशनखोरी में सभी बिकते हैं। यहाँ का नगर आयुक्त, यहाँ का महापौर, जितना भी है यहाँ पे जो है कमीशनखोरी में। अब बाहर में बताइए, सिवान का कंपनी है एक, तो अब वो उनको ला रहे हैं, अब जबकि उनको सिवान में FIR दर्ज है, उनके ऊपर FIR दर्ज है, यहाँ भागलपुर कैसे उसको शरण दे रही है?